हाँ जी बेटा, ग्रीटिंग्स टू ऑल। सो एज यू ऑल नो बेटा कि सन इज देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हैव यू सीन सन एनीवेयर? क्या आपने कभी सन देखा है? वेरी गुड। कहाँ देखा है? ओके कब देखा है बेटा? मीन्स डे के टाइम और नाइट के टाइम, के आर द टाइम ऑफ डे। देन इज इट पॉसिबल दैट क्या कभी आपने नाइट के टाइम सन देखा है? नो। सो बेटा क्या ये पॉसिबल है कि नाइट के टाइम भी सन हो सकता है? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एक ऐसी जगह के बारे में हम पढ़ेंगे, लैंड ऑफ द मिड नाइट सन, जहां रात के टाइम भी सन दिखता है। मीन्स एट द टाइम ऑफ नाइट। सो टुडे वी विल डू यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट, डू यू नो दैट प्लेस? सो द नेम ऑफ द प्लेस इज ग्रीन लैंड। वट इज द नेम ऑफ द प्लेस? ग्रीन लैंड। वेरी गुड। अब ग्रीन लैंड क्या है? ग्रीन लैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है बेटा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है? हाउ मेनी हेमिस्फीयर आर देर? देर आर टोटल 4 हेमिस्फीयर आर देर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड लास्ट वन इज, वेरी गुड, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वहां ये ग्रीन लैंड है, एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये लोकेटेड है आर्कटिक ओशन के और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच। और जो आर्कटिक सर्कल है वो इसके बिल्कुल साउदर्न पार्ट में से पासिस करता है, और ये कनाडा के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट वाली साइड पे है। और एक डेविस स्ट्रेट एंड बेफिन बे है, ये सेपरेट करता है इसका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। इसे नॉर्दर्न कनाडा के बिल्कुल ये पास है कनाडा को, एक ये डेविस स्ट्रेट और बेफिन बे है, ये इसे कनाडा से अलग करता है। अदरवाइज ये वो चीजें इसे अलग ना करती तो ये कनाडा का ही एक हिस्सा होता। और ये ग्रीनलैंड है जो बेटा, ये एक आइस शीट है, मीन्स यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, लगभग 5,000 फीट थिक ऑन एंड एवरेज। अगर एवरेज देखी जाए तो बर्फ की जो परत होती है वो इतनी मोटी हो जाती है कि वो 5,000 फीट, मतलब 5,000 फुट आपकी हाइट है बेटा, 4 फीट 5 फीट, 4 और 4 फीट और 5 फीट के नियर अबाउट, 3 to 5। तो वो है 5,000 फीट, इतनी मोटी वहां बर्फ की एक लेयर बनी रहती है लगभग सारा साल। और ये है जो सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ आइस इन द वर्ल्ड है, अंटार्कटिक सर्कल के बाद, अंटार्कटिक शीट के बाद जो ग्रीनलैंड है ये दूसरा ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है या बर्फ जमती है। और ये ग्रीनलैंड का जो 80% एरिया है ये आइस से हमेशा कवर रहता है। तो जो इसका लार्जेस्ट टाउन है वो है क्यूकोर्तक, क्यू क्यू कोर तोक, क्यू कोर तोक। इट हैज ब्यूटीफुल वुडन हाउसेज ऑन द हिल साइड्स। यहाँ बेटा जो बर्फ वाली जगह है आपको पता है कि वहां वुडन के जो हाउसेज हैं वो बने होते हैं। जो इसकी जो कैपिटल है जो ग्रीनलैंड वो है नुक, NWK नुक, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है वर्ल्ड की। इसे गोडथब भी बोलते थे पहले। और जो कंट्री है इसके, इसको बॉर्डर कौन कौन सी चीजें करती है? अटलांटिक ओशन है साउथ ईस्ट वाली साइड से, आर्कटिक ओशन इज देयर नॉर्थ वाली साइड से, ग्रीनलैंड सी है जो वो है ईस्ट वाली साइड से, और बेफिन बे है वेस्ट वाली साइड से, और कनाडा एंड आइसलैंड आर द क्लोज नेबर्स ऑफ ग्रीनलैंड। अगर इसकी टेरेन की बात करें तो ये क्या है? लगभग बेटा फ्लैट सरफेस है। टेरेन मीन्स वहां का जो एरिया है वो कैसे है, जैसे वो हिली एरिया, माउंटेन एरिया, ऐसे की अगर हम बात करें तो वहां क्या है, लगभग फ्लैट एरिया है, बट थोड़ी थोड़ी कई जगह पे स्लोप वाले आइस कैप्स बने हुए हैं। मीन छोटे छोटे पहाड़ी टाइप, छोटे छोटे पहाड़ यहाँ बने हुए हैं, जैसे आप यहाँ ये चीजें देख सकते हो। आफ्टर दिस द कोस्ट इज नैरो, और उसकी जो कोस्ट है वो बिल्कुल नैरो है। मीन्स इसकी जो एक साइड एंड पॉइंट है वो ऐसी है, लगभग ये नैरो शेप में, मीन्स लंबाई में है। और इसमें हाईलैंड्स हैं, ऊंचाई वाली कई जगह भी हैं, और एक इसमें माउंटेन चेन्स भी है जो ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के, ईस्ट और वेस्ट दोनों किनारों पे एक पैरेलल माउंटेन चेन भी इसके चलती है। इसके बाद अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करें तो बेटा जो नुक है ये इसका क्लाइमेट है -9 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स
-9 डिग्री टू -30 डिग्री मीन्स इतनी ज्यादा वहां ठंड पड़ती है ड्यूरिंग द समर्स टेम्परेचर कैन गो अप टू एज मच एज 5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम समर्स की बात करें तो हमारे बेटा टेम्परेचर होता है 47-48 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ मैक्सिमम 5 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो जाता है और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो -23 डिग्री तक रहता है। मीन्स गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा वहाँ ठंड हो जाती है, अपनी ठंड से भी कई गुना ज़्यादा ठंड वहाँ सिर्फ और सिर्फ समर्स में होती है, और विंटर्स की तो बात ही छोड़ दो बेटा। तो ये जो ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस अबाउट 2 months ऑफ मिड नाइट सन ड्यूरिंग द समर्स, जो ग्रीनलैंड है ये इस समर्स के सीजन में, समर के सीजन में 2 महीने ऐसे आते हैं जब यहाँ मिड नाइट सन होता है, यानी रात को भी यहाँ सन वो दिखता है लगभग 2 महीने। ओके, और ये जो रीजन है सन शाइन्स फॉर 24 आवर्स अ डे, और एक ये ऐसा रीजन है जहाँ लगभग 6 months तो 24 घंटे यहाँ सनशाइन ही रहती है, मीन्स रात का अंधेरा नहीं होता। जो समर्स आर वो कूल है, विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। ओके, जो समर्स हैं वो ठंडी होती हैं लेकिन जो विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं। उसके बाद अगर हम इसकी क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स बेटा ऑटोमेटिकली हमें क्लियर है कि जहाँ ठंड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो कपड़े हैं वो बहुत मोटे मोटे पहनने पड़ेंगे, जो हमें वार्म रखें और बॉडी को प्रोटेक्ट करें फ्रीजिंग टेम्परेचर से। तो इसी टाइप के कपड़े वहाँ के लोग पहनते हैं जो उस एनिमल्स की स्किन से बने होते हैं। और उसके बाद फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल वो मनाते हैं बेटा सन जब आता है अलोंग विंटर आफ्टर, जब वो सर्दियाँ चली जाती है और गर्मियों में जब सन वहाँ आता है धूप निकलती है तो वो क्या करते हैं उसे भी एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, कॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक्स के साथ। कॉफ़ी वगैरह सॉन्ग्स गाते हैं, सॉन्ग्स सिंग करते हैं और कॉफ़ी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केक्स के साथ उसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही क्रिसमस, न्यू ईयर, नेशनल डे, 21 जून वगैरह भी वो सेलिब्रेट करते हैं। और लैंग्वेज और रीजन की बात करें तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की वो है ग्रीनलैंडिक। इसे क्या बोलते हैं, इसे एक और भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं कलालिसुत बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज को। और यहाँ पे लगभग जो ज़्यादा पीपल हैं वो डैनिश हैं। उसके बाद जो इसकी ऑफिशियल रिलीजन है वो है लूथरनिज्म है, और जो ज़्यादा लोग हैं वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को। ओके, और इसकी अगर कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डांसिंग कल्चर भी है और म्यूजियम्स भी हैं अलग अलग, जिसे और म्यूजियम में लगभग 4,500 ईयर्स की जो हिस्ट्री है ग्रीनलैंड की वो संभाल के रखा गया है। जो फुटबॉल है वो वहाँ की नेशनल स्पोर्ट्स है। ओके, उसके बाद प्लेइंग हैंडबॉल, वॉलीबॉल भी लोग वहाँ खेलते हैं। और प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा जो ज़्यादा प्लांट्स हैं समर्स के टाइम जो मोस और श्रब्स के वो कवर रहता है, मीन्स घास फूस वाली छोटी झाड़ियों वाली जो पौधे होते हैं झाड़ियाँ टाइप, उन पौधों की तरह वो कवर रहता है। ओके, उसके बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स है लाइक रोजमेरी, येलो पोपी आर ऑल्सो फाइंड हेयर। और इसके अलावा ड्वार्फ बिर्च एंड विलो में ग्रो सेवरल फीट हाई, ऐसे प्लांट्स, ये प्लांट्स के नेम है बेटा अलग अलग। तो ऐसे प्लांट्स भी यहाँ पे जो वाइल्ड प्लांट्स हैं और श्रब्स हैं और ग्रासेस हैं वो भी यहाँ होते हैं। उसके बाद अगर हम एनिमल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे रेनडियर, पोलर बियर, वाइट आर्कटिक वोल्फ, मस्क ऑक्स, ये सारे वहाँ के मैमल्स हैं, लैंड मैमल्स, मीन्स जो वहाँ पे पानी वाले रीजन या बर्फ वाले एरिया में वहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हैं लोगों की भेड़े, शीप, गोट्स एंड पिग्स, सुअर जिसे बोलते हैं वो है। इसके बाद मैराइन लाइफ की अगर पानी वाले जो वहाँ उनकी बात करें, जो पानी वाले मैराइन एनिमल्स हैं वो हैं बेटा वेल्स, ब्लू वेल, फिन वेल, हम्प बैक वेल, पायलट वेल एक्सेट्रा, यानी वेल की अलग अलग प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा वहाँ से जो फिशेज हैं सच एज रोक फिश, कोड, दे आर यूजफुल फॉर द इकोनॉमी, और उनको वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं और कंट्री को ग्रीनलैंड के लिए वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से पैसा कमाने के लिए वो ऐसी फिशेज को बेचते हैं, उनके लीवर ऑयल उनका निकाला जाता है जिनकी आगे मेडिसिन वगैरह बनती हैं। इकोनॉमी और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रीनलैंड है वो डिपेंड करता है फिशिंग के ऊपर और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर। ओके,
जो रेनडियर, पोलर बियर, सील्स, वेल वालरूसीज एंड वेल्स आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ मीट, ऐसे जो जानवर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो रोड्स आर प्रेजेंट ओनली विद इन द टाउन्स, जो अगर हम सड़कों की बात करें वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में है। और उसके बाद डॉग्स, स्लेजेस एंड स्नो मोबाइल्स आर यूज ऑन आइस कवरिंग और शिपिंग एंड एयर सर्विसेज आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे ज़्यादा सर्विस जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो एयर सर्विसेज हैं, और जो डॉग स्लेजेस हैं वो यूज़ किया जाता है। और वेलफेयर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट है ग्रीनलैंड की, वो लोगों को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज का प्रोवाइड करती है और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये था उस जगह के बारे में जहाँ मिडनाइट सन का जो लैंड जिसे बोलते हैं। तो वंस यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड देन यू विल नो वेल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।